हेलो फ्रेंड्स, मीतूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ विंटर की स्पेशल चॉकलेट रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं तिल गुड़ के साथ बहुत ही टेस्टी फिलिंग के साथ आपको चॉकलेट बनाना सिखाने वाली हूं। सर्दियों में खास तौर पे आप अपने बच्चों को इस तरीके से ये टेस्टी चॉकलेट बनाकर जरूर खिलाइएगा। चलिए फटाफट से तिल गुड़ से बनी ये टेस्टी चॉकलेट रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में हम 4 बड़े चम्मच सफेद तिल डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम तिल को अच्छे से भूनेंगे। तिल चटकने शुरू हो चुके हैं तो जल्दी से तिल को एक बर्तन में निकाल कर हल्का ठंडा कर लेंगे। तिल को मैंने बाउल में निकाल कर ठंडा कर लिया। अब तिल को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें से मैं थोड़ा सा तिल निकाल लेती हूँ। इसे हम चॉकलेट के ऊपर बाद में लगाएंगे, इससे चॉकलेट देखने में सुंदर लगती है। तो ये देखिए, मैंने मिक्सी में तिल को दरदरा ग्राइंड कर लिया है और हमारा तिल बिल्कुल तैयार है। चलिए फिर से गैस पे वही पैन रख लेते हैं। अब मैं इसके अंदर 50 ग्राम गुड़ डालूंगी। गुड़ को हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। गुड़ हमारा हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब जब गुड़ इस तरीके से हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसे स्पून से या स्पैचुला से एक बार मिक्स कर लेंगे। पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर ही रखना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें घर की फ्रेश मलाई डालूंगी। मलाई को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें मिला लेंगे। 3 से 4 चम्मच मलाई आप इसमें डाल दीजिए। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें तिल डालूंगी और अब हम बचे हुए तिल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तिल को मिक्स करते टाइम गैस को बंद कर दीजिएगा क्योंकि हमें बिल्कुल सॉफ्ट मिक्सचर तैयार करना है। तिल गुड़ की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैंने चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ 100 ग्राम स्टार कंपाउंड लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके का डार्क कंपाउंड मार्केट में मिलता है। चॉकलेट को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर तैयार रखा है। अब मैं आज इसे माइक्रोवेव करने वाली हूँ तो माइक्रोवेव में 30-40 सेकेंड के लिए चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। आप डबल बॉयलर मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चॉकलेट को इसी तरीके से 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। चॉकलेट बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया शाइनी चॉकलेट रेडी हो गया है। चलिए इसे मोल्ड में डाल लेते हैं। ये मैंने प्लास्टिक मोल्ड यूज किए हैं। प्लास्टिक मोल्ड को हमेशा ऑयल से पहले हल्का सा ग्रीस कर लेना चाहिए ताकि चॉकलेट आसानी से निकल आए। अब थोड़ा सा चॉकलेट डालकर इसे अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, हमें इसके साइड में भी चॉकलेट को फैलाना है। जो इसके कोने हैं उस पे भी हम चॉकलेट फैला लेते हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप चाहें तो बाउल में वापस टैप कर सकते हैं। इससे बिल्कुल बारीक लेयर बनकर तैयार होती है। तो और जो बचा हुआ चॉकलेट है इसे हम ये स्पैचुला से हटा लेंगे। इस तरीके से हमारी कैविटी में बिल्कुल पतली लेयर बन चुकी है। अब एक और सिंपल तरीका भी बता देती हूँ आपको। इसके लिए आपको स्पून से थोड़ा सा चॉकलेट डालना है मोल्ड में और फिर स्पून से ही आपको चॉकलेट को चारों तरफ फैला लेना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी चॉकलेट को फैला सकते हैं या फिर पहले वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हल्का सा इसे टैप कर लीजिए ताकि चॉकलेट इवनली स्प्रेड हो जाए। चॉकलेट से भरे हुए मोल्ड को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने दूसरा मोल्ड लिया है, इसमें भी मैं थोड़ा सा चॉकलेट बना लेती हूँ। तो आप कोई भी डिजाइनर मोल्ड यूज कर सकते हैं। और अगर मोल्ड नहीं है तो कैसे चॉकलेट बनाना है इसके लिए मैंने बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं। सभी रेसिपीज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वो रेसिपी भी जरूर देखें। चॉकलेट से भरे हुए मोल्ड को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो 3 मिनट बाद मैंने मोल्ड को बाहर निकाल लिया है। अब जो नीचे की लेयर है वो अच्छे से सेट हो गई है। अब ये देखिए, हमारी जो गुड़ की और तिल की स्टफिंग हमने बनाई थी आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है। इसी तरीके की ऐसी बाइंडिंग वाली स्टफिंग हमें तैयार करनी है।
थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इसे हाथ से हल्का सा रोल कर लेते हैं। और अब इसे स्टफिंग को हम मोल्ड में भरेंगे। जो स्टफिंग है इसे उंगली से हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो बिल्कुल इवनली आपको स्प्रेड कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे मोल्ड को फिल कर लेंगे। ये जो छोटे वाली कैविटीज हैं इनमें भी हम इसी तरीके से स्टफिंग को भरेंगे। सभी कैविटीज में मैंने स्टफिंग फिल कर ली है, तो ऊपर से हम थोड़ा सा चॉकलेट डाल देंगे। और इसके ऊपर इसे अच्छे से टैप करेंगे। इसके ऊपर जो हमने साबुत तिल बचाए थे वो डाल देते हैं। इससे चॉकलेट देखने में बहुत अच्छी लगती है। एक्स्ट्रा चॉकलेट को आप हाथ से रिमूव कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो हमने ये मोल्ड रेडी किया है इसमें भी हम चॉकलेट को डाल देंगे। चॉकलेट को फैला लिया है मैंने ऊपर से, और अब हम इसमें थोड़े से तिल डाल के इसे भी एक बार टैप कर लेते हैं। टैप कर लेने से चॉकलेट अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाता है। अब दोनों मोल्ड को हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट बाद मोल्ड को मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से, और अब मैं आपको चॉकलेट निकाल के दिखाती हूँ। मोल्ड को उल्टा करके हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया शाइनी टेस्टी चॉकलेट्स रेडी हैं। विंटर स्पेशल या मकर संक्रांति स्पेशल आप ये चॉकलेट रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तिल से बनी हुई बहुत सारी मिठाइयाँ आपने खाई होंगी, लेकिन इस तरीके से घर पर तिल और गुड़ से बनी ये टेस्टी चॉकलेट एक बार जरूर बना के देखिएगा। ये देखिए जो हमने ये बड़े मोल्ड में चॉकलेट बनाई थी, बड़ी बार बनाई थी, इसे भी निकाल लेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीके से निकल आई है। कितनी शाइनी, कितनी बढ़िया चॉकलेट बनी है दोस्तों। इस तरीके से स्टफिंग वाली तिल गुड़ की चॉकलेट आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाना। मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई भी इस तरीके की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके पसंद की रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी और अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। मितुस किचन पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से मितुस किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।